कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। यह बात यूपी की एक महिला पर एकदम सटीक बैठती है। यह महिला दिल्ली पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग कर यूपी की एक रोडवेज बस में बस ड्राइवर बन गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बस पर महिला ड्राइवर का पति कंडक्टर है और अब यह ड्राइवर दूसरी महिलाओं को प्रेरणा दे रही है। दरअसल लोनी डिपो की एक रोडवेज बस पर पति पत्नी तैनात हैं और दिलचस्प यह है कि पत्नी के हाथ में रोडवेज बस का स्टेयरिंग है और पति यात्रियों के टिकट काटते हैं। जो भी यह बात सुनता है वही हैरत में पड़ जाता है। रोडवेज बस का स्टेयरिंग थामने वाली महिला बुलंद शहर की रहने वाली वेद कुमारी है। वेद कुमारी के पति मुकेश प्रजापति भी रोडवेज बस में टिकट काटते हैं और वेद कुमारी संस्कृत विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी तक वह दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोडवेज में महिला चालकों की भर्ती निकलने पर वेद कुमारी ने अपना इरादा बदलकर रोडवेज बस का सारथी बनने की ठान ली। कौशल विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से साल 2021 में वेद कुमारी ने मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर से भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वेद कुमारी को लोनी डिपो की वर्कशॉप में 10 माह के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अप्रैल 2023 में कौशाम्बी डिपो से वेद कुमारी पहली बार रोडवेज बस का स्टेयरिंग थाम सारथी बन गई। यह दंपति अब कौशाम्बी गाजियाबाद से बंदायू रूट पर एक ही रोडवेज पर तैनात है और वेद कुमारी एक बेटे और बेटी की माँ है। बेटा सूर्यकांत 10वीं और बेटी भाविका केजी में पढ़ रही है। सूर्यकांत ही अपनी बहन का ध्यान रखता है और वेद कुमारी का कहना है कि फिलहाल वे संविदा पर तैनात है। साथ ही कहती है कि इस कार्य में कोई डर की बात नहीं है, यह कोई भी भारी काम नहीं है, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 7 महीने की ट्रेनिंग हुई, 4 महीने की लाइट मोटर व्हीकल और 3 महीने की ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल की हुई। ट्रेनिंग के बाद डिपो भेजा गया। इसके बाद बस चलाने की ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले 7 महीने की ट्रेनिंग हुई, अभी भी ये ट्रेनिंग पर है और जनवरी में पूरी हो जाएगी। इनके साथ एक चालक भी होते हैं जो इन्हें गाइड करते हैं और ओवरटेक होने या बीच सड़क पर गाय भैंस आ जाए तो कैसे बस पर कंट्रोल करना है, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। ओवरटेक सुरक्षित जगह पर करना है और सड़क पर भीड़ है या लोग जमा है तो कैसे साइड लेकर चलना है, ये सारी बारीकियां सीखी। बस चलाना आसान नहीं है। कौशाम्बी से बंदायू एक तरफ से ही जाने में 6 घंटे लग जाते हैं, वापसी में भी फिर इतना समय लगता है कि हर दिन 12-13 घंटे ड्राइविंग करने के लिए फोकस जरूरी है। ट्रैफिक का ध्यान रखना होता है, लेकिन कई बार अपनी साइड से पता ही नहीं चलता कि कार वाले कभी लेफ्ट तो कभी राइट रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं। हम आगे बैठे हैं तो पीछे वाली गाड़ियों का कई बार पता ही नहीं चलता, तब बहुत सावधानी से बस चलानी पड़ती है। देहात वाले इलाकों में जोखिम अधिक होता है और कोई कहीं से सड़क पार कर लेता है या कोई कहीं से भी कट मार देता है। हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। आगे वो कहती है कि बंदायू से लौटने पर रात हो जाती है, कई बार रात के 2 से 3 बज जाते हैं और बस डिपो में लगाने के बाद तुरंत घर नहीं लौट पाती। गाजियाबाद अपने घर पर लौटने के लिए ऑटो या कोई दूसरा साधन नहीं मिलता, तब उन्हें बस में ही सो जाना पड़ता था। सुबह घर पहुंचकर बच्चों को खाना तैयार करना, टिफिन लेकर चले जाना, कुछ देर रेस्ट करने के बाद लंच तैयार करना, फिर वापस डिपो पर चले जाना। इस शेड्यूल के बीच खुद के लिए कई बार जो टिफिन पैक तक नहीं कर पाती, तब कई बार ढाबे पर ही जो है खाना पड़ता है। ये आप बीती जो है इस महिला बस ड्राइवर की है। संविदा पर हूँ इसलिए मानदेय काफी कम है और बमुश्किल 6,000 रुपए महीने के होते हैं और पति भी संविदा पर है और ऐसे में दोनों के पैसे मिलाकर भी घर चलाना मुश्किल होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई राशन दवा सब कुछ के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। आगे वो कहती है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो सोसाइटी को मैसेज गलत जाएगा, फिर दूसरी लड़की ड्राइविंग में नहीं आएगी और मेरे लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मुहिम है। नारी शक्ति की पहचान है और लड़की हार्डवर्क नहीं कर सकती, बस ट्रक तो चला ही नहीं सकती। इन सभी गलतफहमियों को मैंने झुठलाया है और सरकार हमारी नौकरी पक्की कर दे तो पैसे रुपए को लेकर हमारी भी तंगी दूर हो जाएगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।